अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी जनाब आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैंगन, और दही वाले बैंगन हैं। सो अभी ये बनेंगे, उसके बाद दोपहर का लंच टाइम होगा। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो जो शॉपिंग मैंने की है। कुछ भी इतना ज़्यादा शॉप नहीं शॉपिंग करी है, लेकिन जो भी किया है वो अभी आप लोग के साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। और दूसरा, आज मैं आप लोग को बताने लगी हूँ कि हुस्न यूसुफ को आप स्क्रब की तरह किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और आज की वीडियो आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मुफीद भी है, और आपको पसंद भी आएगी। सो स्टे ट्यून। अच्छा जी, चले मैं आपको जल्दी जल्दी से शॉपिंग दिखा दूँ। हर रोज़ जो है ना डिले हो जाता है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मा जब आई हुई थी तो मैंने क्या क्या परचेज़ किया था। सोहाए से मैंने लिए हैं दो ट्राउज़र्स, सोहाए से लिए हैं। और ब्लैक मेरे पास, सादा वाले ब्लैक बहुत हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज ब्लैक चाहिए था। सो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। इनकी स्टिचिंग ना मुझे बहुत प्यारी लगी। तो ये एक मैंने ये वाला लिया है, और नाखून भी मेरा टूट गया है, बल्कि दो ये साइड वाले टूट गए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये ब्लैक एंड वाइट, अगर आपको याद हो ईद पे मैंने ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहना था, सो मैंने सोचा कि ये उसके साथ भी चल जाएगा, और काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ ये चल जाता है। सो इसकी स्टिचिंग कुछ इस तरह से है। आपको अगर फुल डिज़ाइन या फुल लुक चाहिए तो आप लोग बताइए। सिंपल ट्राउज़र है, दर्जी मोस्टली जो है ना वो, अगर आप उनसे कहते हैं कि बेल्ट वाली शलवार या इस तरह फ्रंट पे जो ये इस तरह से चॉक्स प्लीट्स लगी हुई होती हैं, चॉक्स नहीं सॉरी प्लीट्स लगी हुई होती हैं, तो वो आपको बना के दे देते हैं। सिंपल इसके पांचे हैं, एंड इसके ऊपर ये पेस्ट है, ठीक है। और साथ में ये अब जो है ना, इसके ऊपर सुहाए पे सेल लगी हुई है 50%। तो ये मुझे मेरे ख्याल में 1200 का ट्राउज़र जो है ओरिजिनल प्राइस पे है, और इसको 50% अगर आप माइनस करेंगे तो 600 का मुझे ये जो है ना ट्राउज़र मिला है। नॉट बैड, लॉन कपड़ा भी बहुत प्यारा है। सेम जन्नत के लिए मैंने ये एक लिया, ब्लैक चाहिए था उसको, सो ये उसके लिए एक लिया। पांचे देखे कितने खूबसूरत, कितने प्यारे हैं। और इसका भी जो है ना सेल में लगी हुई थी, तो इसका भी मेरे ख्याल में 500 या समथिंग इस तरह का मिला है ये इसके ऊपर। और अच्छा, फिर मुझे ऑफ वाइट कलर में चाहिए था, तो मुझे नहीं मिला वहाँ पे सोहाए पे। सो मैंने फिर सफ़ायर से परचेज़ किया, और सेम जिस तरह से प्लीट्स इसकी लगी हुई है ना, सेम इसी के ऊपर भी लगी हुई हैं, और सेम स्टिचिंग है। कपड़ा लॉन का बहुत प्यारा है, लेकिन इनका महंगा है, ये सेल पे मैंने नहीं लिया। और इनकी बेल्ट वाली भी है आगे से, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, सब इसी तरह से स्टिच करते हैं सारे टेलर। ये देखें बेल्ट वाले, और आगे से जो है ना, अगर आप प्लीट्स चाहते हैं या आगे से आप चुनर चाहते हैं, जिस तरह से भी आपको पसंद आता है। और इसकी जो प्राइस है वो आपको 1490, ठीक है। ये मैंने फुल प्राइस पे परचेज़ किया, सेफायर के ऊपर सेल नहीं थी। सो ये जो है ना हमारी आज की शॉपिंग, वो आप लोग के साथ मैंने शेयर कर लिया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप हुस्न यूसुफ को स्क्रब की तरह किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ, और आपको दिखाती हूँ हुस्न यूसुफ। सो जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ हुस्न यूसुफ। ये देखिए सैयद गनी का मैंने लिया है, ठीक है। और इसके ऊपर रेट भी मेरे ख्याल में मैंशन हो रही है, मैं आपको दिखा दूँ एक मिनट। आपको ज़रूरी नहीं है कि सैयद गनी से आप लें, आप कहीं और से भी ले सकते हैं, 200 रुपीज़ हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, मैं चूँकि स्क्रब कर चुकी हूँ तो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह का पैकेट अंदर से मिलेगा, और इसका टेक्सचर बिल्कुल खशखाश की तरह होता है, ठीक है। अगर आपने कभी खशखाश यूज़ करी हो, ये देखिए रंग भी दिख भी बिल्कुल खशखाश की तरह रहा है, और टेक्सचर भी बिल्कुल उसी तरह से। ये देखें करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे ही आप फेस वॉश करते हैं, ठीक है, फेस वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई नहीं करना, अपना रेगुलर जो आप फेस वॉश यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कीजिए। फिर आपने इसको फेस को जो है ड्राई नहीं करना, उसके बाद आपके जो फिंगर टिप्स होते हैं, फिंगर टिप्स को आपने वेट करना है, और वेट करते साथ ही आप इस तरह से इसको लगाएं तो फिंगर टिप्स के ऊपर आपके लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि गीली आपकी फिंगर टिप्स होंगी। इसको आपने गीले फेस के ऊपर, जैसे स्क्रब आप नॉर्मली करते हैं ना, उसी तरह से आपने वेट फेस के ऊपर इसको स्क्रब करना है। 5 मिनट तक आप स्क्रब कीजिए, और उसके बाद आप इसको नॉर्मल जिस तरह से वॉश करते हैं फेस वॉश कीजिए, और नरम और बिल्कुल सॉफ्ट आपको फेस
जो है वो फील होगी। सो ये है जनाब आज का एक टिप आप लोगों के लिए, और हुस्न यूसुफ आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बस अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी, और आई होप कि आप लोग आज का वीडियो भी इंजॉय कर रहे होंगे। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग एड्स जो हैं वो वीडियोस के ऊपर वॉच करिए, और मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।